फाइनली हमारे गेम का न्यू अपडेट आ चुका है और अपने गेम में जितने भी न्यू चीट कोड आए हैं वो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव न्यू चीट कोड बताने वाला हूं। तो आप लोगों को चलो मैं एक एक करके चीट कोड बताता हूं कौन कौन से चीट कोड है वो आप लोग यहां पे देख सकते हो। बुलेरो कार, मिनी जेट पैक, न्यू जेट पैक, अपने न्यू फायर इंजन का चीट कोड और न्यू मोड का चीट कोड और रेन मोड का भी चीट कोड। मतलब आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा न्यू चीट कोड के ऊपर। अपने गेम में न्यू चीट कोड लिखने के लिए रेडी हो जाओ या फिर वो चीट कोड याद भी कर सकते हो। बाद में कमेंट करके मत बोलना कि मैंने न्यू चीट कोड आप लोगों को दिखाया नहीं है। साथ ही अपने गेम में हाउस देख सकते हो, हाउस के ऊपर आरजीबी कलर में काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिला है। तो इसको भी कैसे लेना है, इसके ऊपर आरजीबी कलर करना है। और अपने गेम में आप लोग यहां पे फैन देख सकते हो, फैन को ये चीट कोड डायल करने से अपना जो फैन है वो भी ओपन हो जाएगा और ये चीट कोड नंबर डायल करने से टीवी भी ओपन हो जाएगा। मतलब आपकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा यूनिक है। तो चलो एक एक करके हम लोग जल्दी से चीट कोड देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। फिर से और आज की जो वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू अपडेट फाइनली आ चुका और आप लोगों ने प्ले स्टोर पर से भी न्यू अपडेट कर लिया होगा। तो आई होप आप लोगों ने न्यू अपडेट नहीं करा तो प्ले स्टोर पर इंडिया फैक्टम चीट कर सर्च करके आप लोग अपने न्यू अपडेट को कर लो। तो अब आप लोगों को अपने गेम में नए चीट कोड बता दो, तो आप लोग अपने गेम में नए चीट कोड लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा बुलेरो कार का चीट कोड, जो कि काफी लोगों को नहीं पता है। तो बुलेरो कार का चीट कोड आप लोगों को अपने गेम में लगाना है, पहले आप लोगों को लगाना है 3 एंड उसके बाद आप लोगों को लगाना है 100। जैसे आप लोग अपने गेम में 3 एंड 100 लगाओगे वैसे आप लोग में बुलेरो कार आ जाएगी और आप लोग देख सकते हो अपनी जो बुलेरो कार है वो काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब आप लोगों को अपने गेम में इसके ऊपर आरजीबी कलर करके दिखा देता हूं। मतलब आप लोग इसके ऊपर हर कलर कर सकते हो और आरजीबी भी कलर कर सकते हो। हालांकि हम लोग अपने गेम में घर के ऊपर भी आरजीबी कलर कर सकते हैं, तो वो चीट कोड नंबर भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो सेकंड नंबर चीट कोड होने वाला है आप लोगों को अपने गेम में जेट पैक को कैसे ले सकते हो। तो जेट पैक का चीट कोड आप लोगों को अपने गेम में लगाना है 3 और उसके बाद आप लोगों को लगाना है अपने गेम में 20। और जैसे आप लोग अपने गेम में 3 और 20 लगाओगे तो आप लोगों के गेम में आ जाएगा न्यू वाला जेट पैक और देख ही सकते हो ये वाला जेट पैक है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। और इसके ऊपर भी आप लोग अपने गेम में हर कलर कर सकते हो, मतलब काला, ब्लैक और कुछ जोन सा भी, हरा वगैरह जो अपने हिसाब से, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग आरजीबी कलर करके और इसको हम लोग कंट्रोल जैसे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हैं वैसे आप लोग इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं अपने गेम में मिनी जेट पैक का चीट कोड, अपने गेम में रेन मोड का चीट कोड बता रहा हूं और साथ ही अपने गेम में बोट का चीट कोड और मिनी जेट पैक का भी चीट कोड बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने गेम में आप लोगों को बोट का चीट कोड तो यहाँ पे अगर हम लोग डायल करेंगे तो बोट यहाँ पे आप लोगों की स्पॉन मतलब चल नहीं पाएगी, तो आप लोगों को एक पानी वाली जगह पे स्पॉन करनी है। तो इसकी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, बट पहले हम लोग मिनी जेट पैक का गाइस चीट कोड देख लो को लगाना है यहाँ पे। पहले तो आप लोगों को 3 लिखना है, उसके बाद डबल 3 लिख देना, उसके बाद आप लोगों को 0 इसके आगे लगा देना और जैसे आप लोग अपने गेम में लगाओगे तो मिनी जेट पैक आप लोगों का स्पॉन हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो मिनी जेट पैक भी काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलता है, बट आप लोगों को इसके ऊपर आप लोग कलर नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने गेम में अपने जो मिनी जेट पैक को भी इंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो मिनी जेट पैक का भी चीट कोड मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन काफी ने अभी तक लाइक नहीं किया। सबसे पहले आप लोगों को न्यू चीट कोड बता रहा हूं, तो आप लोगों का फर्ज है एक लाइक करने का। तो आप लोगों को ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 5000 लाइक का टारगेट का है, आप लोग लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बता रहा हूं अपने फायर इंजन का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो फायर इंजन का चीट कोड आप लोगों को लगाना है 606 और जैसे आप लोग डायल करोगे तो आप लोगों को जो फायर इंजन है वो भी स्पॉन हो जाएगा। गेम में फायर इंजन के अंदर जैसे बैठोगे तो आप लोगों को अपने जो फायर इंजन के अंदर व्यू वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, हमारा एंगल होता है और आप लोग अपने फायर इंजन के अंदर नहीं देख सकते। मतलब आप लोग अपने गेम में ऐसे कर सकते हो और अगर कैमरा पे ऑप्शन कर पे क्लिक करोगे तो ऐसे देख सकते हो, लेकिन फायर इंजन के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है। अब आप लोगों को मैं अपने गेम में बता रहा हूं आप लोगों को अपने गेम में हाउस के ऊपर आरजीबी कलर कैसे कर सकते हो। तो हाउस के ऊपर आरजीबी कलर करने से पहले और अपने गेम में बोर्ड का चीट कोड और रेन मोड का चीट कोड देखने से पहले मैं आप लोगों को गेम में बता रहा हूं अपने जो फैन देखने को मिलता है उसको भी कैसे आप लोग ओपन कर सकते हो। तो गाइस देख ही सकते हो मैंने अपने गेम में फैन को ओपन कर सकता, अब आप लोग इसको अपने हिसाब से बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को बंद करके दिखा देता हूं, ठीक है। आईजी टूल में जाना, उसके बाद आप लोगों को लिखना है पहले एफ ए एंड उसके बाद आप लोगों को लिख देना फैन, उसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे ऑफ, ठीक है। तो मैं अपने गेम में फैन ऑफ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने फैन ऑफ लिखा, तो देख ही सकते हो फैन ऑफ हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को इसको ऑन करना है तो आप लोग दोबारा से इसके गेम में यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो कि फैन को कैसे ऑन करना है। तो मैंने फैन ऑन लिखा और फैन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फैन भी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ अपने गेम में आप लोग जिम कैसे कर सकते हो और जिम का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो जिम को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा अपने गेम में ऊपर की साइड और जैसे आप लोग ऊपर की साइड जाओगे वैसे आप लोग को यहाँ पे जिम का सामान देखने को मिल जाता है और देख सकते हो अपने जो सामान है वो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ जिम को कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं और जिम का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो जिम को करने के लिए आप लोग को एक अलग से चीट कोड डायल करना पड़ेगा आईजी शूल में, तो वो चीट कोड नंबर कौन सा है वो चीट कोड नंबर भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में जो हाउस देखने को मिलता है उसके ऊपर हम लोग आरजीबी कलर कैसे कर सकते हैं और अपने गेम में अपने हाउस के ऊपर और भी कलर कैसे कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को गेम में अपने हाउस के ऊपर आरजीबी कलर करके और भी बहुत सारे कलर करके दिखाता हूं।
करता हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने गेम में आईजी टूल में जाना और आईजी टूल में आप लोगों को यहाँ पे चीट कोड नंबर लिखना है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख देना हाउस एड, उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में क्लोथ भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अपने गेम में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोगों को भी अपने गेम में लिखना है। एंड अगर आप लोग कोई मिस्टेकिंग करोगे तो आप लोगों का जो ये है वो ट्रिक वर्क नहीं करेगा। एंड आप लोग का जो हाउस है वो आरजीबी कलर में नहीं होगा, तो आप लोग ढंग से देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद अपने गेम में आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को अगर रेड करना है अपने हाउस को तो आप लोग रेड लिख देना, ठीक है। तो मैंने अपने गेम में रेड लिख दिया और अपने गेम में देख ही सकते हो मेरा जो हाउस है वो रेड कलर में हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के गेम में अपना जो रेड हो चुका है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ सेकंड शीट को, ठीक है। तो सेकंड, अगर आप लोगों को अपने गेम में और कोई सा कलर करना है तो मैं अपने गेम में दोबारा से आप लोगों को दूसरा कलर दिखा देता हूँ करके। तो मैं अपने गेम में दूसरा कलर करना चाहता हूँ ग्रीन, तो ग्रीन भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो उसके भी आप लोगों को पहले लिखना है हाउस एंड उसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे क्लोथ, ठीक है। क्लोथ लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिख देना ग्रीन, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग ग्रीन को भी लिख देते हैं एंड उसके बाद ग्रीन को लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डन क्लिक कर देना। तो आप लोगों का जो हाउस है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इसको येलो करना है तो येलो करने के लिए आप लोगों को अलग से चीट कोड डायल करना पड़ेगा। उसके ऊपर येलो कलर करना चाहता हूँ तो अपने गेम में येलो लिख दूंगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना जो हाउस है उसको भी पीला कलर में कर लिया। इसी तरह से आप लोग अपने गेम में जितने भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कितने कलर आप लोग अपने हाउस के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पहले बता देता हूँ आरजीबी किस तरह से कर सकते हैं। आरजीबी आप लोगों को हाउस करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा हाउस, जैसे कि मैं अपने गेम में हाउस लिखा। उसके बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लोथ एंड जैसे कि मैं आप लोगों में क्लोथ लिखा जल्दी से। क्लोथ लिखने के बाद आप लोगों को अपने गेम में आर जी एंड उसके बाद लिखना है आप लोगों को बी, ठीक है। आरजीबी, ठीक है। आरजीबी कलर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना और पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना और आप लोगों का जो हाउस है वो आरजीबी कलर में हो जाएगा। अब आप लोग इसके ऊपर कितने कलर कर सकते हो, कौन कौन सा नाम लिखना पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जितने भी कलर आ रहे हैं ये सारे कलर आप लोग अपने न्यू हाउस के ऊपर कर सकते हो, राइट। अभी आप लोगों को बता देता हूँ रेन मोड का चीट कोड, अपने गेम में न्यू बोट का चीट कोड। मैंने आप लोगों को बोट का अपने गेम में बुलेरो कार का चीट कोड और जेट पैक का चीट कोड बता दिया। तो आप लोग अपने गेम में बोट को एंजॉय करने के लिए आप लोग को एक अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे अपनी जो बोट को हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं अपने गेम में यहाँ पे भी अपने गेम में न्यू बोट का चीट कोड बता सकता हूँ, लेकिन अपनी जो बोट है वो यहाँ पे नहीं चलेगी, तो आप लोगों को एक अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को अपनी जो बोट है वो पानी के अंदर इजी तरीके से चल हुए देखने को मिलेगी। एंड उसकी लोकेशन भी कौन सी है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, जहाँ पे आप लोग अपनी जो बोट है वो भी आप लोग पहुंचने के बाद आप लोग को चीट कोड नंबर भी डायल नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आप लोग को जो बोट है वो इजीली तरीके से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि अपने गेम में जो अपने जो ग्राफिक है वो कितना ज्यादा अमेजिंग हो चुका है, और गाइस देख ही सकते हो अपनी जो सड़क है वो भी कितनी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है और अपना जो सिटी है वो भी कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपनी जो पोर्ट का चीट कोड आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। काफी अंदर ने अभी तक गाइस लाइक नहीं करा तो यार जल्दी से लाइक कर दो, काफी अंदर ने अभी तक यार सब्सक्राइब भी नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गेम से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं सबसे पहले देता रहता हूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने गेम में न्यू बोर्ड का चीट कोड, उसके बाद रेन मोड का चीट कोड हम लोग और डायल करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू ऑफ चीट कोड भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में बोर्ड का चीट कोड डायल करने के बाद इस लोकेशन पे आ जाना है, ठीक है। तो इस लोकेशन पे आप लोग जाओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पानी है वो भी कितना ज्यादा बढ़िया कर दिया गया है और पानी भी कितना ज्यादा अमेजिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने गेम में यहाँ पे बोर्ड को एंजॉय करना है, तो बोर्ड का चीट कोड हम लोग जल्दी से डायल कर लेते हैं और बोर्ड का चीट कोड नंबर जैसे मैं डायल करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है, ठीक है। आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ, तो बोर्ड का चीट कोड आप लोगों को एक पानी वाली लोकेशन पे डायल करना है। तो अगर आप लोग अपने गेम में डायल करोगे 222222 तो आप लोग की गेम में आ जाएगी एटीवी बाइक। तो इस वाली अपडेट में आप लोग को अपनी जो एटीवी बाइक है वो बोट में कन्वर्ट नहीं करी और उसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तो इस वाली अपडेट में अपना जो गेम के डेवलपर बोल रहे थे ग्रुप में कि अपने गेम में आप लोग को अपने गेम में जो बोट है उसका मॉडल रेडी हो रहा है, बट आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांडिंग आ रही थी कि भाई अपना न्यू अपडेट दे दो न्यू अपडेट दे दो। तो मैंने सर से बोला कि सर ऑडियंस काफी ज्यादा रिकमेंड कर रही है तो गेम के डेवलपर ने बोट का मॉडल रेडी नहीं कराया, ठीक है। तो इस वाली अपडेट में आप लोग को अपनी जो बोट है वो देखने को नहीं मिली गाइस। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं रेन मोड का चीट कोड। तो अगर आप लोगों को अपने गेम में रेन मोड का चीट कोड जाना है काफी ज्यादा डिमांडिंग आ रही थी कि भाई जल्दी से न्यू अपडेट दे दो, तो गेम में रात आ गई और आप लोगों को चीट कोड मिलना मिल गया, ठीक है। आप लोग अपने गेम में नो डायल करने से अपने गेम में बोल हो जाएगा, ठीक है। रेन मोड को ऐड करो और रेन मोड का चीट कोड भी ऐड करो, तो रेन मोड का चीट कोड आप लोगों को डायल करना है यहां पे आ तो आ जाएगा, तो जल्दी-जल्दी आप लोगों को रेन मोड हो जाएगा। बट अभी अपने गेम में आप लोग रेन मोड नहीं होता है क्योंकि डेवलपर रेन मोड को अभी ऐड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे गेम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को इस चैनल पे जल्दी-जल्दी न्यू चीट कोड भी मिल पाएंगे, ठीक है। तो यार अपने जो गेम के डेवलपर जितने भी चीट कोड बताए थे तो बोलने वाला आप लोगों को बता दिए इस वाली अपडेट से रिलेटेड जितने भी चीट कोड अपने गेम में आए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी एंड वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, काफी उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं लाइफ टाइम में प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में मिलूंगा और सेकंड वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, सारे न्यू चीट कोड मैं आप लोगों को रिलीज करने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं आप लोगों से गुड बाय एंड टेक केयर।